The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, क्या उसे आप रोक सकते हैं, क्या उसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आज इस बारे में सारी जानकारी आपको, एक अकेला वीडियो आपके लिए काफी होगा। सो यही वीडियो इंग्लिश, दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट सर्च एंड आई हैव गिवन दैट वीडियो। ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो वॉट इज अ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या होता है? देखिए, दिल के अंदर कुछ खून की नसें होती हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं। अगर वो खून की नसें जो दिल को सप्लाई करती हैं वो ब्लॉक हो जाए तो दिल ही को ऑक्सीजन, यानी कि खून या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के वजह से वहां पर जो होता है उसे हम कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब खून की कमी, और ये ब्लॉकेज जो होता है खून की कमी का, ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। और ज्यादातर ये जो ब्लॉकेज होता है ये चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और कुछ ऐसे सब्सटेंस, प्लेटलेट व्लेटलेट जुड़ जाने के वजह से बनता है। और ये कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जो है ऐसे कहीं पे जमा नहीं होती, ये उन क्रैक्स पे जमा होती है जो खून की नसों में डैमेज होने के वजह से आती है, या तो उम्र के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, दारू के वजह से, या शुगर ज्यादा होने के वजह से, या फिर जनरल ऐसी उम्र हो जाए, खराब हालत है, आप अपने ख्याल नहीं रखते, पोल्यूशन है, उन चीजों के वजह से। तो उन चीजों के वजह से वहां क्रैक आते हैं। क्रैक में फैट, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट और फाइब्रिन, ये सब जमा होके वहां पर एक प्लाक बनाते हैं। ये प्लाक एक खून की नस, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में आर्टरी बोलते हैं, उसमें बनती है। और ये आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट को सप्लाई करने वाली छोटी छोटी, इतनी सी 1-2-3 mm की आर्टरी होती है, 2-3-4 mm की, उतने mm की आर्टरी उसमें ब्लॉकेज होगा, बाकी पूरी दुनिया भर की जो आपके शरीर में करोड़ों आर्टरीज है उसमें नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपकी करोड़ों आर्टरी उसमें ब्लॉकेज होता है, हर जगह हो सकता है, लेकिन दिल की जो आर्टरी है वो एंड आर्टरी है। एंड आर्टरी मतलब वो आर्टरी जाके बंद हो जाती है, वो आर्टरी के सर्कल होके वापस दूसरी आर्टरीज कम होती है कि कोलैटरल्स बने, इसलिए वहां पे अटैक जल्दी होता है। और छोटी छोटी आर्टरी होती है इसलिए क्योंकि दिल को रेगुलर काम करना है, राइट। ऐसे ही कई लोगों के दिमाग में प्लाक जमा हो जाता है, कईयों के पेट में, कई को पैर में। ये प्लाक जो होता है जमा हो सकते हैं खून की नसों में, पूरे शरीर में, कहीं भी। और ये जो क्रैक्स बनते हैं, मैंने कारण आपको और बताएंगे, ये प्लाक जो है अगर कभी फट जाए, जी हाँ, एक प्लाक होता है, एक इकट्ठा हुई जगह होती है, वो प्लाक फट जाए अगर कभी, तो वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, खून की नसों में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पे क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट जो है खून की नस को जाम कर देता है। वो पूरा बंद कर देता है, और एक हार्ट अटैक हो जाता है, 100% के आसपास बंद हो जाती है। और वो आगे जाने वाला ब्लड सप्लाई बंद, आगे जाने वाले जहां पर वो हार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, मसल है, वहां पे आपका कॉन्स्टेंट वर्क हो रहा है। ऐसा हाथ पैर जैसा नहीं है कि हाथ पे काम करें, अगर दर्द हो रहा है तो काम करना बंद कर दिया और बैठे हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। हार्ट को तो काम करना है, वो नहीं करेगा तो बंद हो जाएगा। तो वैसे ही वो आगे का हिस्सा काम कर रहा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो दर्द उसमें डैमेज होने लगता है, और वो डैमेज जो है आपको दर्द करता है, इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इससे जान भी जा सकती है अगर हार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा अफेक्ट हो जाए तो। अब हार्ट अटैक क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण हमने आपको बताया, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक रप्चर। प्लाक बनता है, पूरे शरीर में बनता है, पहले समझा लो, आपको भी बनेगा, मुझे भी बनेगा, हर इंसान को बनेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके पूरे शरीर में एक भी प्लाक ना हो। एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी सबको होनी है, एक उम्र के बाद हर एक को होनी है। अब किसी को वो 30 साल की उम्र में हो गए, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80। सो आप कैसे जी रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा आपको जितनी कितनी जल्दी होगा, और आपके जीन्स पे डिपेंड करेगा, मतलब होगा तो सबको। और किसी किसी में ऐसा होगा हार्ट में नहीं हो रहा, बाकी जगह हो रहा, किसी किसी में ऐसा होगा हार्ट में ज्यादा हो रहा, बाकी जगह कम हो रहा, पर होगा सब जगह सबको। सो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक बनना, ये अपने आप में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो आपके बनता है उसके वजह से, और ये फट जाता है वहां पे, एकदम से क्लॉट बन जाता है, कच्चा और पक्का क्लॉट। पक्का क्लॉट कौन सा है? ये प्लाक जो है, ये सालों लगते हैं प्लाक बनने में,
और फट के क्लॉट बनता है, जो वो अच्छा खासा प्लाक बनने के बाद जब फटता है उसमें पिंपल जैसा बन के फटता है और एकदम से पूरी बाकी की हिस्सी बंद हो जाती है। वो जो बंद होता है वो सॉफ्ट क्लॉट होता है, तो इसीलिए वो सॉफ्ट क्लॉट को भी ठीक किया जा सकता है, हार्ड क्लॉट को भी ठीक किया जा सकता है, सब कुछ तरीके हैं बताएंगे आपको। पर एक सबसे बड़ा तरीका हार्ट अटैक का है एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक। दूसरा तरीका जो हार्ट अटैक का है साथ में आना, वो है स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जी हाँ, खून की नसें जो है आपके हाथों में देखी होगी, ठंड के मौसम में सिकुड़ जाती है, गर्मी के मौसम में फैल जाती है, एक्सरसाइज करते हो तो फैल जाती है, वो वेन्स हैं। वैसी आपकी आर्टरीज जो दिल को खून सप्लाई करती है उसमें भी टेंडेंसी है कि वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन में जाती है और कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, पूरी बंद हो जाती है, बंद होके रह जाती है। अगर एक हिस्सा भी बंद होके रह गया तो अल्टीमेटली तो उसने क्लॉट बंद कर दी ना फ्लो, तो इस तरीके का स्पाज्म हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आधा प्लाक बना हुआ था, 50% 40% प्लाक था और बाकी ऊपर से स्पाज्म हो गया, प्लाक के ऊपर स्पाज्म हो गया और उसके वजह से पूरी बंद हो गई, या प्लाक के ऊपर स्पाज्म हो गया उसके वजह से प्लाक फट गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो स्पाज्म कैन कॉज शट डाउन टू द हार्ट और ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसके वजह से दिक्कत। ऐसा स्पाज्म जो है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, या पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, गंदी लाइफस्टाइल में जीते हैं, उस चीजों में उन लोगों को ज्यादा होता है। ठीक है, यंग एज में भी हो सकता है, भांग से भी हो सकता है कोरोनरी स्पाज्म। और कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस हैं जैसे कोरोना, कोविड-19, हमने कई सालों ने सुना है कोविड-19 के वायरस के बाद, इन्फेक्शन के बाद क्लॉट बन जाते हैं, या कई बार वो वायरस ही हार्ट के मसल को इफेक्ट कर देता है, उस केस में उसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यानी हार्ट की मांसपेशी, हार्ट की मांसपेशी का इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन हो गया हार्ट, जैसे लंग डैमेज हो जाता है वैसे हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है उसमें, तो एक तरीके से वो भी हार्ट की मसल डैमेज होकर हार्ट कमजोर कर दे, हार्ट अटैक कर देता है। और ये सिर्फ कोविड-19 नहीं, ऐसे किसी भी वायरस जो हैवीली आपके शरीर में इफेक्ट कर जाए, इन्फेक्शन कर जाए, लंग्स और हार्ट को अफेक्ट कर ले, वो मायोकार्डाइटिस, डेंगू मायोकार्डाइटिस होता है, कोविड से होता है, ऐसे कई सारे वायरस से होता है, तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है। और कोविड जैसी बीमारियों में क्लॉट के बनने भी बढ़ जाते हैं। अब ब्लॉकेज जो होता है खून की नसों में, जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाला ब्लॉकेज है, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है कंप्लीट ब्लॉकेज, कंप्लीट ब्लॉकेज यानी धीरे धीरे जो खून की नस है उसमें प्लाक बना, प्लाक बना, प्लाक बना, छोटा बनके फिर बड़ा 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 होके पूरा ही ब्लॉक कर दिया उसने प्लाक को, क्लॉट बनके। एक होता है पार्शियल ब्लॉकेज, यानी कि क्लॉट बना लेकिन क्लॉट इतना बनके 70-80% बनके रह गया, थोड़ा सा खून जा रहा है, कम जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, दौड़ते हुए चलते हुए आपको दिक्कत आएगी, या फिर आपके ईसीजी में गड़बड़ नहीं आएगी लेकिन आपको छाती में दर्द आएगा, हार्ट के मसल में पार्शियल होगा तो थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा होगा, उसको हम कई बार नॉन एस्टिविलेशन MI बोल सकते हैं, हार्ट के दर्द को एंजाइना बोल सकते हैं। और कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, ज्यादा बड़ा ब्लॉकेज आ जाए, तो ST एलिवेशन जैसे चेंजेस आते हैं वो ECG में आते हैं। ECG में एक बेसलाइन होती है, उसमें जो ये लीड्स होती हैं उस लीड्स में इस प्रकार के ऊपर आके जो चेंजेस आते हैं उसको हम ST एलिवेशन बोलते हैं। तो ST एलिवेशन और इस तरीके के कई बार ECG के ऊपर, ECG के ऊपर डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, उसमें समझाया ECG के चेंजेस, उसमें यहां मैं नहीं जाऊंगा। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी इन दोनों में बदल जाता है। अगर ये इस प्रकार के एलिवेशन होते हैं, ST एलिवेशन, तो उसे तुरंत खोलना बहुत ज़रूरी होता है, और ये दूसरा नहीं होता है तो हम दवाई से फिर भी थोड़े टाइम इलाज कर सकते हैं। सिम्टम्स, अगर कोई ऐसी अटैक आ जाए, कोई ऐसा ब्लॉकेज हो जाए, हार्ट की मांसपेशी को खून नहीं जा रहा, तो और हार्ट तो काम करेगा, तो धीरे धीरे वो मसल मांसपेशी जो है उस पर आपको छाती में चुभन नहीं होगी, प्रेशर फील होगा, प्रेशर फील होगा, टाइटनेस फील होगा, पेन होगा, स्क्वीजिंग होगा, लगातार एक होगा, या ऐसा लगेगा यही सारी चीज आपके बाह में जा सकती है, दिक्कत गर्दन में जा सकती है, नेक पेट पीठ में जा सकती है, बैक में जा सकती है, तो जॉ पे भी जा सकती है, और इधर लोअर एब्डोमेन में भी जा सकती है। इसके साथ अगर हार्ट के निचले हिस्से में अटैक हो तो उल्टी भी आ सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, डाइजेशन हार्ट बर्न जैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, और अगर हार्ट जो है जो बड़ा हिस्सा अगर अटैक हो रहा हो तो वो बड़ा हिस्सा उस समय काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा, बिकॉज उसको खून ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा, तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी और बैक प्रेशर होकर सांस फूलने लगेगा, लंग्स में सांस फूलने लगेगा, ठंडे पसीने आने लगेंगे, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आने लगेंगे, ये सब हो रहा है
या इसमें से कुछ भी हो रहा है जो हार्ट के लिए डाउटफुल है, तो तुरंत हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत ईसीजी कराएं। हर बार ये सारे सिम्टम एक साथ नहीं होंगे, कुछ लोगों को कोई चीज़ होती है, कुछ लोगों को कोई चीज़ होती है, और डायबिटीज जैसे पेशेंट में कई बार साइलेंट अटैक भी होता है। साइलेंट अटैक पे अलग से हमारा एक वीडियो है। जिन लोगों को माइल्ड पेन होता है और दूसरे कुछ लोगों को सीवियर पेन होता है, कुछ जितना सीवियर पेन नॉर्मली हम उसको उतना सीवियर अटैक मान के चलते हैं। कई बार हार्ट एकदम सडन बंद भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज वाला पेशेंट है या कोई नसों में न्यूरोपैथी है और दर्द हुआ, अटैक हुआ, पता भी नहीं चला, दर्द भी नहीं हुआ और सीधा हार्ट रुका हुआ आया, पेशेंट अरेस्ट हो गया, ऐसा भी होता है। तो अलग अलग सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि पेन के रिसेप्टर्स वहां काम कर रहे हैं कि नहीं। जितने ज्यादा सिम्टम, जितना ज्यादा साइन, उतना बड़ा हार्ट अटैक, याद रखो। अर्ली साइन क्या है? कुछ प्रकार के हार्ट अटैक्स में वार्निंग साइंस आते हैं कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ हफ्ते पहले। वार्निंग साइन का मतलब होता है बार बार रिकरेंट छाती में दर्द होना, दबाव होना ठीक हो जाना। कब? जैसी कुछ सामान उठाया, जैसी कुछ चला फिरा, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ा, छाती में दबाव हुआ, रुक गए, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं एग्जर्शनल एंजाइना। एंजाइना का मतलब है टेम्पररी खून का सप्लाई कम हुआ है और उस वजह से वहां दबाव पैदा हो रहा है, वैसे ही रुक गए। क्यों? खून का सप्लाई जैसे ही चलने फिरने लगे, हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, एक्टिविटी बढ़ गई, धड़कन बढ़ गई, चले, सीढ़ी चढ़े, सामान उठाए, तो उतना ऑक्सीजन, उतना कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज्यादा खून चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है, एंजाइना हुआ, दबाव हुआ, तो आप रुक गए। आपने रिलैक्स किया, थोड़ी देर रिलैक्स की, धड़कन कम हुई, भार कम हुआ, चलना फिरना कम हुआ, हार्ट रेट कम हुआ, एंजाइना ठीक हो गया। तो इसको एंजाइना बोलते हैं। ये इंडिकेशन है कि बहुत सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, अच्छा खासा 70-80% 90% ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप कोई एग्जर्शन नहीं ले पा रहे, तो वो कंडीशन है अर्ली साइन। ऐसे कंडीशन में आपको ईसीजी, इको, टीएम, ट्रोपोनिन टेस्ट या एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। और अगर नहीं कराते, अटैक हो गया, लेट हो गए अस्पताल जाते जाते, तो कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। ऑब्वियसली हार्ट के हिस्से में डैमेज होगा, वो हिस्सा जो है एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है, वो हिस्सा फड़फड़ा सकता है, उसमें रिदम प्रॉब्लम आ सकती है। खासकर अगर राइट साइड के हार्ट को अटैक होता है तो वहां पर हार्ट का पेसमेकर होता है, और पेसमेकर खराब हो गया, पेसमेकर में गड़बड़ आ गई, तो हार्ट ब्लॉकेज से रिदम प्रॉब्लम में जा सकता है, इररेगुलर रिदम आ सकती है, हार्ट रेट स्लो हो सकती है, हार्ट रेट रुक सकती है, धड़कन फड़फड़ा के हार्ट रुक भी सकता है, सीरियस एबनॉर्मल रिदम प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर कोई मेजर हिस्सा, मेजर नस बंद हो गई, राइट, ऑब्वियसली हार्ट के अंदर खून की नसों का पूरा पेड़ है, पेड़ में तीन मेजर जड़ें होती हैं और उसके जड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अगर जड़ों में, मेन जड़ों में ब्लॉकेज हो जाती है तो एक बड़ा हिस्सा अटैक में जाता है, और एक तो मेन जड़ होती है जिसको LAD बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, उस LAD में 60-70% तक वो हार्ट के हिस्सों को सप्लाई करती है, वो बंद हो गई तो 60-70% हिस्सा अटैक में जाएगा, हार्ट एकदम से आधे से ज्यादा कमजोर हो जाएगा, एकदम सांस में फूलने लगेगा, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक के वजह से, हार्ट डैमेज हो जाने की वजह से, जब हार्ट आगे ब्लड नहीं पंप कर पा रहा तो जो ब्लड उसमें है वो भी वहीं रुकेगा, जो पीछे से आ रहा है वो भी रुकेगा, बिल्कुल चक्का जाम, जैसे गाड़ी ट्रैफिक जाम होके बैक में पूरा हाईवे जाम होता ही जाता है, बस वैसे ही आपके लंग्स में, लंग्स तक चक्का जाम हो जाता है, खून जमा होने लगता है, और वो जमा खून जो है फेफड़ों में भारी हो जाता है, सांस फूलने लगता है, इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। ऐसे में आपको भर्ती होना पड़ता है, आपके पेशाब निकालने वाली दवाइयां दी जाती है, तब जाके आपको आराम आता है, अगर वो डैमेज होता रुक गया तो, अगर डैमेज होता रहा तो जानलेवा हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन कैन बी दिस, सडन कार्डियक अरेस्ट, एकदम से हार्ट फड़फड़ा के, रिदम प्रॉब्लम के वजह से, हार्ट फेलियर प्लस रिदम प्रॉब्लम प्लस हार्ट अटैक, सारी चीजों के वजह से भी कॉम्प्लिकेशन, हर चीज मिक्स हो सकती है, इसमें याद रखिएगा। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में एकदम से हार्ट रुक सकता है, हार्ट अटैक में पहले 24 से 48 घंटे सबसे खतरनाक होते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस प्रकार के डाउट भी है तो अपने डॉक्टर से बात करें, टेस्ट कराएं, आपके लोकल इमरजेंसी में जाएं और टेस्ट कराएं। पर अगर आपको सिम्टम हो रहा है तो खुद से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बीच में आपको दिक्कत बढ़ जाए, अकेले ड्राइव कर रहे हो कौन संभालेगा, तो किसी को लेके जाएं, कोई ना कोई किसी को लेके जाएं, या इमरजेंसी हॉस्पिटल लोकल अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाएं, उसको लेके जाएं, ठीक है, उससे ड्राइव करवाएं, ना कि खुद। इमरजेंसी में आपको डॉक्टर जो है, कई आपके टेस्ट किए जाएंगे, ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन, उसमें अगर इंडिकेशन आ रहा है कि यस ये एंजाइना है या हार्ट अटैक है, तो ऐसे में आपको खून पतला करने की दवाइयाँ दी जा सकती हैं,
और खून की नसें खोलने की जो सॉर्बिट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन जबान के नीचे रखने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है, जिससे इमरजेंसी सिचुएशंस में कई बार हेल्प होती है, दर्द में आराम आ जाता है या छोटा मोटा क्लॉट है वो घुल सकता है, तो ऐसी चीज़ें भी देनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन याद रखिए जो मेन प्लाक होता है वो प्लाक भी ज़रूरी है देखना। कई बार ऐसा होता है 70-80% प्लाक है और 10% का क्लॉट आ गया है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो खुद से ये दवाइयाँ नहीं लेना है, डॉक्टर से बात करके ही लेना है, और इन दवाइयों से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिए। तो अगर आप देखते किसी को हार्ट अटैक जैसा सिम्टम हो रहा है तो इमरजेंसी लेके जाइए तुरंत, और उसकी पल्स और ब्रीदिंग देखिए। अगर पल्स ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो उसका CPR शुरू करिए, अगर वो बेहोश है तो CPR शुरू करिए। CPR पे हमारा डिटेल वीडियो है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी दिल की धड़कन वापस शुरू करना, पेशेंट को जिंदा कैसे करना, उसका अलग से हमारा वीडियो है, ज़रूर देखिए। CPR में आप क्या करेंगे, जनरल बता रहे हैं, छाती के ऊपर ज़्यादा पुश हार्ड एंड फास्ट दबाना है, 1 मिनट में 100 बार आपको चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं, जब तक कोई ट्रेंड डॉक्टर या कोई एम्बुलेंस वाला नहीं आ जाता तब तक आपको करना है। एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करके आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या एयरवे की टेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप CPR करो 100-120 टाइम्स छाती में, सेंटर पे आप धपा धप चेस्ट पुश करो जब तक पेशेंट अगर सांस नहीं ले रहा है। तो हार्ट अटैक के रिस्क किसको हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात किसको है, अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है या फीमेल की उम्र 55 से ज़्यादा है, मेल 45 फीमेल 55 से ज़्यादा है तो उनको हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू यंग फीमेल एंड मेन। आजकल यंग लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल चॉइसेस पे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग्स बैड स्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस बॉडी बिल्डिंग इंजेक्शंस ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्क पैदा करती हैं, राइट। फिल्मी लोग एक्टर एक्ट्रेसेस की बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क पैदा करती है। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल ज़्यादा दिन सारे कई रेगुलर पार्टीज ड्रिंकिंग कई ज़्यादा वहाँ उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं और उनके वजह से भी हार्ट अटैक बहुत कॉमनली होते हैं। सो स्ट्रेस इज अ बिग फैक्टर, एज इज अ बिग फैक्टर और मोटापा हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ट्राइग्लिसराइड हाई ब्लड प्रेशर हाई डायबिटीज ये सारी मोटापे से लिंक्ड है। तो मोटापा आपको है तो केवल 10% भी अगर आप वजन अपना कम कर लोगे तो आपका 50% यानी काफ़ी सिग्निफिकेंट आपका रिस्क कम हो जाएगा। केवल 10% भी आप अपना वजन कम करते जाओ, पहले तो कम कर लो। अगर आपका BP बढ़ा हुआ है, प्री एक्लेम्शिया यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर BP बढ़ा हुआ है तब भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क लाइफ टाइम तक रहता है, याद रखें। डायबिटीज़ अपने आप में एक बड़ा रिस्क है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस या इंसुलिन नहीं बनने की वजह से होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ भी लंबे समय से है चाहे वो कंट्रोल क्यों ना हो आपको हार्ट का रिस्क होगा। अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल्ड है दवाइयाँ लेते हुए, रिवर्स्ड एक अलग चीज़ है, कंट्रोल एक अलग चीज़ है। अगर डायबिटीज़ रिवर्स्ड है जैसे आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आपने शुगर लेवल कंट्रोल में लाके रिवर्स किया, देन इट इज़ गुड। अगर डायबिटीज़ दवाई के साथ कंट्रोल्ड है तब भी आपको अगर 5-10 साल हो गए हैं 10 साल हो गए तो हार्ट का रिस्क आपका बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इसी चीज़ को बोलते हैं, जिसमें आपका मोटापा है हाई BP है हाई शुगर है तब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम आता है और उसके वजह से आपके हार्ट अटैक के चांसेस डबल हो जाते हैं, डबल। टोबैको स्मोकिंग या टोबैको चूइंग लंबे समय में इवन सेकेंड हैंड स्मोक आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कारण है, ये एकमात्र ऐसा कारण है जो आपकी नेचुरल बाईपास कर सकता है। एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेस कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग अगर आप करते रहते हैं तो अगर ब्लॉकेज बन भी रही है नेचुरल वे में तो आपकी साइड की नसों को यह खोलता रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है सबसे बड़ा फैक्टर आज के डेट में लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। यंग लोग भी बस सिटिंग जॉब में पूरा दिन बैठे रहते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग उल्टी सीधी लाइफस्टाइल मोटापा फिर डायबिटीज स्मोकिंग ड्रिंकिंग बैड लाइफस्टाइल बैड खाना बैड एनवायरनमेंट गंदी हवा फिजिकल एक्सरसाइज नील हार्ट अटैक क्यों हो गया पता नहीं और क्या चाहिए तुमको है कि नहीं बताओ। फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बीइंग इनएक्टिव इंक्रीजेस योर ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपके हार्ट के अंदर जो अडेप्टिव सिस्टम्स होते हैं उसको नहीं बनने देते, राइट। एलिसिट ड्रग यूज जो हमने बताया, कोई स्टिमुलेंट ड्रग ले रहे हैं, कोकेन एम्फेटामिन्स कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो स्टेरॉइड जैसी हैं, वो सब आपके हार्ट अटैक करने में अच्छे खासे कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई ऑटोइम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस लूपस
जैसी कंडीशन से भी आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पेरेंट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है 50-60 की उम्र में, तो आपको 5-10 साल पहले होने का रिस्क है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपकी लाइफस्टाइल और आपका एनवायरनमेंट और ज्यादा खराब होता है एज कंपेयर टू देम। बीपी और कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़े कारण है जिसको आपको रेगुलर चेक में रखना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर ओवर टाइम आपके खून की नसों पे बहुत प्रेशर डालता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाला केस में क्रैक्स ज्यादा बनते हैं, उन्हीं केसेस में ज्यादा कंडीशंस होती हैं अगर ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए डाइट में आपको कोलेस्ट्रॉल, फैट्स प्रोड्यूसिंग चीजें कम रख के एक्सरसाइज बढ़ानी जरूरी है। अगर इसको नहीं करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो ब्लॉकेज भी आपकी थोड़ी ज्यादा मात्रा में होगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल लेवल में रखना चाहिए। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट? प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन काम करती है। कुछ प्रकार की दवाइयां जो है आपके हार्ट के मेडिकेशंस, हार्ट की जो मेडिसिन होती हैं और हार्ट अटैक के बाद जो दी जाती हैं, वो तो केवल हार्ट के ऊपर प्रेशर ना आए, हार्ट की फंक्शनिंग बेटर हो, हार्ट ताकत अच्छे से कर पाए, उसके लिए होती है, राइट? तो अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो उसके बाद आपकी मेडिसिन आपको कंटिन्यूस लेनी है। लाइफस्टाइल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंटेन रखना है। आपको स्मोकिंग नहीं करनी, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, टेंशन नहीं लेना है और अपने रेगुलर टेस्ट कराने हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के, ये जरूरी है। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर जरूरी है। और आपको बहुत जरूरी है कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि लोगों को पता चले कि हार्ट अटैक के अंदर कितना कुछ इन्वॉल्व है, और सभी को होने वाला है अगर वो अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल ही एकमात्र और सबसे बड़ी चीज मैंने बताई है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज सबसे बड़ी चीज है जो ब्लॉकेज होते हुए को भी खोल सकती है और आसपास की खुद जो नेचुरल बाईपास को खोल सकती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी बीमारियों को बढ़ाएगा। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, तो इंग्लिश वाला वीडियो अवेलेबल है। प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो। मुझसे कंसल्ट करना है, बात करना है, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।